शाहीन शरीफ अलविदाई मुलाकात के लिए ईवान सदर पहुँचे, जहाँ उन्होंने सदर ममनून हुसैन से मुलाकात की। सदर मुमलिकत ने मुल्क दिफा के लिए आर्मी चीफ की खिदमत की तारीफ की। इस मौके पर जनरल राहील शरीफ ने पुरखलूस तआवुन और रहनुमाई पर सदर मुमलिकत का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ का कहना था कि पेशा वाराना फराइज की अदायगी में हर मरहले में उनकी रहनुमाई और तआवुन हासिल रहा। इससे पहले आर्मी चीफ वजीर आजम हाउस पहुँचे, जहाँ नवाज शरीफ ने उनका गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने वजीर आजम नवाज शरीफ से अलविदाई मुलाकात की। वजीर आजम नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ की गरा कदर खिदमत को सराहते हुए उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वजीर आजम का कहना था कि उनकी क़यादत में मुसल्ला अफवाज ने दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन और ज़र्बे अज़ को कामयाबी से हमकिनार किया। जनरल राहील शरीफ ने ऑपरेशन के दौरान मुकम्मल तआवुन पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ISI हेडक्वार्टर्स का भी अलविदाई दौरा किया, जहां DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर ने उनका इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने दहशत गर्दी के खिलाफ कामयाबियों पर ISI के अमले को खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए जनरल राहील शरीफ का कहना था कि ISI ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के लिए अहम किरदार अदा किया। मुल्की दिफा की मजबूती के लिए ISI का किरदार अहम है।